इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में 1,65,000 कोरोना के केस सामने आए हैं। 45 दिनों में कोरोना का यह सबसे कम आंकड़ा है और दिल्ली में भी 1,100 केस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 2,200 केस रिकॉर्ड हुए हैं और दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ दें तो देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब धीरे धीरे कम होता नजर आता है। यही वजह है कि कई राज्य लॉकडाउन अनलॉक करने की तैयारी भी कर रहे हैं। आपके राज्य में कब और कैसे लॉकडाउन खुलेगा, इस पर यह खास रिपोर्ट देखिए। जून से कहां कहां लॉकडाउन हटेगा, किस राज्य में क्या क्या अनलॉक होगा, कहां बाजार खुलने वाला है, कहां पर फैक्ट्रियों में काम शुरू होगा, दिल्ली को अनलॉक करने का अरविंद केजरीवाल का क्या प्लान है, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, उत्तर प्रदेश का योगी फॉर्मूला कितना कारगर है, महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार की क्या रणनीति है, एक एक राज्य की डिटेल रिपोर्ट देखिए और लॉकडाउन हटने की पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझिए। दिल्ली में सोमवार सुबह 5 बजे यानी 31 तारीख से लॉकडाउन खुलना शुरू हो जाएगा। इसकी जानकारी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी। अपने को बैलेंस बना के चलना है कि एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी साथ साथ कोशिश करनी है, जहां जहां जितना बन सके उतना अलाउ किया जाए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को और फैक्ट्रीज को, इन दो गतिविधियों को खोला जा रहा है। अब हफ्ता दर हफ्ता हम जनता के सुझावों के आधार के ऊपर और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने ना लगे। अगर बीच में ऐसा लगता है कि कोरोना बढ़ने लग गया तो फिर हमें एक्टिविटीज खोलने की प्रक्रिया को भी रोकना पड़ेगा। दिल्ली में 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगा था, अब तक 5 बार लॉकडाउन को बढ़ाया जा चुका है। 42 दिन तक दिल्ली लॉक रही क्योंकि कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली से कोरोना की सेकेंड वेव का पीक जा चुका है, जिसका असर भी नजर आने लगा है। पिछले एक दिन में दिल्ली में 1,141 नए केसेस मिले हैं, जबकि संक्रमण दर 1.5% पर पहुंच गई है। दिल्ली में करीब 14,000 एक्टिव केस हैं। कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली और दिल्ली वालों ने बहुत मुश्किल वक्त देखा था। अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी कतारें, ऑक्सीजन दवाइयों के लिए दर दर भटकते लोग, रोज घाटा खाते कारोबारी, कई लाख मजदूर दिल्ली छोड़कर भी चले गए थे। लेकिन अब दिल्ली के हालात सुधरने लगे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यकीन है कि अब स्थिति उनके कंट्रोल में है और इसी वजह से दिल्ली को अनलॉक किया जा सकता है, जिसका इंतजार भी पूरी दिल्ली को है। अब जानिए दिल्ली का अनलॉक फेज 1 कैसा होगा, क्या क्या खुलेगा और किन चीजों पर अभी पाबंदी जारी रहेगी। दिल्ली अनलॉक 1 में कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों को खोला जाएगा, बाजार अभी बंद रहेंगे, मेट्रो भी बंद रहेगी। अगले अनलॉक फेज में इन पर फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए यह फैसला लिया है। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना केसेस लगातार कम हो रहे हैं, दूसरे राज्य से भी मजदूर अब दिल्ली लौटने लगे हैं। सर, कोरोना कम होने लगा इसलिए हम लोग कमाने चक्कर में आ गए। कोरोना से कमी चल गया सर, आए सर कमाने के लिए आए सर। दिल्ली में कोरोना कम हो गया लग रहा है अब। अच्छा, इसीलिए आएंगे। कुछ कोरोना बढ़ रहा था इसीलिए वजह से चले गए अपने घर पे। कोरोना कम ऐसी हुआ तो फिर अपना मजदूरी के लिए आ रहे। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए ई पास बनेंगे ताकि उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना आए। हालांकि दिल्ली सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर दिल्ली में फिर से कोरोना केसेस बढ़ते हैं तो लॉकडाउन दोबारा लगाया जा सकता है। जो भी आए बिना मास्क के किसी को एंटरटेन नहीं करना है ना। मास्क लगाए उसी को सामान देना, ठीक है। कितने बजे खोलते हो, कब तक खोलते हो? 9 बजे तक दिन में, अभी सुबह 9 बजे तक। अभी यदि अनलॉक होगा तो और जितने भी नियम है उसका सख्ती से पालन करना, ठीक है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जहां पर साइकिल चलाकर मंत्री, कलेक्टर, पुलिस आम जनता को जागरूक कर रहे हैं। ये हैं विश्वास सारंग, जो शिवराज सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं।
ये कलेक्टर अविनाश लवानिया है और ये है एसपी साउथ साई कृष्णा। जो मास्क नहीं लगाए हैं उसको समझा रहे हैं, ये तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि मध्य प्रदेश अनलॉक होने वाला है। लॉकडाउन एक बार फिर अनलॉक होने वाला है मध्य प्रदेश में। सरकार और प्रशासन अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। वजह साफ है कि पिछली गलतियां जो लॉकडाउन खुलने के बाद की थी वो अब फिर से जनता ना करे, इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास कैलाश सारंग समेत मध्य प्रदेश सरकार प्रशासन के कलेक्टर और एसपी अब सड़कों पर है और समझाइश देते यहां पर नजर आ रहा है कि जो गलतियां एक बार हो चुकी है दोबारा ना हो, ताकि तीसरी लहर हावी ना हो सड़कों पर। इस तरीके से देख रहे हैं आप तस्वीरों में लोगों को समझाइश देने की प्रक्रिया लगातार चल रही है तमाम मोहल्लों में कि 1 तारीख से जो संभावित लॉकडाउन जब खुलेगा तो किस तरीके से उन्हें सख्ती और आत्म अनुशासित रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करना। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से सरकार और प्रशासन खुद यहां पर साथ है, ये तस्वीर देख सकते हैं। और हम बात करते हैं यहां पर चिकित्सा जो स्वास्थ्य मंत्री है विश्वास कैलाश सारंग से। सर, मकसद इस पूरी कवायद का क्या दिख रहा है? देखिए, अब यदि अनलॉक करना है तो संक्रमण की चेन को तोड़ना है और इसीलिए निकले हैं। जहां एक और होम आइसोलेशन में जो हमारे मरीज हैं हम उनसे मिल रहे हैं जिससे वो सुपर स्प्रेडर ना बने, और जनता के बीच भी निकल के इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अब हम भोपाल को अनलॉक करें, मध्य प्रदेश को अनलॉक करें। तो सर, किस तरीके से ये लगातार पूरी ये कैंपेन चलेगा? देखिए, हमारे यहाँ रोज ही हम लोग निकल रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर निकल रहे हैं। हमारे साथ कलेक्टर भी हैं, एसपी भी हैं, और लोगों को जहाँ एजुकेट कर रहे हैं और ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में हम पूरी तरह से अनलॉक करें भोपाल। 1 जून से मध्य प्रदेश में क्या क्या खोलेगा, किस किस बात का खास ख्याल रखना है वो देखिए। मध्य प्रदेश में एक साथ सब कुछ अनलॉक नहीं होगा, जिला ब्लॉक और ग्राम स्तर पर क्या खोलना है और क्या नहीं ये आपदा प्रबंधन समिति तय करेगी। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न लगे इसलिए धारा 144 लागू रहेगी। शादी में शामिल होने वालों की पहले कोरोना जांच होगी, जांच की व्यवस्था सरकार करेगी। जहां कोरोना केसेस आएंगे वहां पर छोटे कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना एक्टिव केस 38,000 पार जरूर हैं, लेकिन संक्रमण दर 13.8% से 3.39% पर आ गई है, जो राहत देती है। शिवराज सरकार अब तीसरे लहर की भी तैयारी कर रही है। मैं आप लोगों से कहा कि हम अनंत काल तक बंद नहीं रख सकते, दुनिया भी हमको चलानी है, इसलिए हम अपनी स्ट्रेटजी पर विचार करके, क्योंकि 1 जून से हमको धीरे धीरे अनलॉक करना है। जो जिले सिंगल डिजिट में है उनके बारे में मैं आज अलग भी चर्चा कर लूंगा, क्या वहां कुछ चीजें उसके पहले भी हम खोलने का फैसला ले सकते हैं, मैं बाद में चर्चा करूंगा। दूसरी लहर का कहर उत्तर प्रदेश पर भी जमकर बरपा था। एक वक्त ऐसा भी आया था जब लगने लगा यूपी में कोरोना कंट्रोल नहीं हो पाएगा, लेकिन योगी सरकार ने कम वक्त में सिचुएशन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है। पिछले 24 घंटे में 2,402 केस मिले हैं, जबकि 3.5 लाख टेस्टिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 95.7% पहुंच गई है। 30 अप्रैल से एक्टिव केस में 83% की कमी आई है। ये सब हो पाया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोरोना मैनेजमेंट की वजह से। योगी आदित्यनाथ शहर में मंत्री से लेकर गांव में प्रधान तक हर किसी से सीधे संपर्क में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 10 ग्राम प्रधानों से वर्चुअल संवाद भी किया। उत्तर प्रदेश आज सबसे सुरक्षित स्थिति में, सबसे अच्छी रिकवरी दर हमारी है, सबसे अच्छी स्थिति में हम उत्तर प्रदेश को लेकर के चले जाने में सफल हुए हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि कोरोना के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बात कही, यह एक कोरोना जो वायरस है यह बहुरूपिया भी है और बड़ा धूर्त भी है, हमें इसके बारे में सचमुच सतर्क रहना पड़ेगा।
मेरी आप सबसे अपील है कि निगरानी समिति के अध्यक्ष के रूप में गांव में हर दूसरे तीसरे दिन स्क्रीनिंग का कार्य, एक एक घर में जाकर के सर्वे करना, पूछना किसी को। एक तो निगरानी समिति को हम लोगों ने इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर दिया था और सैनिटाइजर दिया था। निगरानी समिति के प्रत्येक सदस्य और सदस्य के पास मास्क भी होना चाहिए, ग्लव्स भी होना चाहिए। गांव में जरूरतमंदों को अगर हम लोग महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से मास्क उपलब्ध करवाने में भी योगदान दे सकें, आप प्रशासन से ही मांग सकते हैं, ग्राम पंचायत की तरफ से भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं, तो हर व्यक्ति को ये आदत डालना पड़ेगा कि मास्क जरूर लगाएं। उत्तर प्रदेश में हालात काबू में आ रहे हैं, कोरोना केसेस की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। ऐसे में हर किसी के जहन में एक ही सवाल बार बार आ रहा है, क्या 1 जून से उत्तर प्रदेश में भी अनलॉक हो जाएगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद वर्चुअल माध्यम से लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए लगातार लगे हुए थे और कोरोना निगेटिव होने के बाद भी योगी हर मंडलों में जा रहे हैं, यूपी के जिलों में ग्राउंड वर्क जाकर के देख रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश में कोरोना को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। एक वक्त ये भी भविष्यवाणी की गई थी कि उत्तर प्रदेश में मई के महीने में 1 लाख से ज़्यादा केसेस पॉजिटिव आएंगे, लेकिन स्थिति यह है कि 3.5 लाख टेस्ट करने के बावजूद हर दिन उत्तर प्रदेश में 2,500 से भी नीचे केस आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में रिकवरी रेट यूपी में 95% से ज़्यादा हो गया है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 1% से भी नीचे आ गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में योगी की मेहनत का नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना फिलहाल कंट्रोल नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी यूपी में 52,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हैं। इसी वजह से ये उम्मीद करना कि आने वाले दिनों में कोरोना कर्फ्यू में कुछ ढील मिलेगी, शायद जल्दबाजी होगा, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 9 के साथ हर रोज बैठक कर रहे हैं ताकि कोरोना के नियंत्रण के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन के साथ साथ उनकी जीविका के बारे में भी सोचा जा सके। उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल से वीकेंड लॉकडाउन लगा, पहले 1 दिन बढ़ाया, फिर 6 मई तक बढ़ा, 5 मई को लॉकडाउन बढ़ाकर 10 मई तक कर दिया गया, 9 मई को फिर लॉकडाउन बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया, इसी तरह 15 मई को लॉकडाउन बढ़ाकर 24 मई तक कर दिया गया और 24 मई को लॉकडाउन बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया। योगी सरकार प्रिकॉशन के तौर पर लॉकडाउन को और बढ़ा सकती है। इसके अलावा यूपी में कोरोना की थर्ड वेव की भी तैयारियां चल रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र में सबसे पहले पाबंदियां लगाई गई थी जो बाद में सख्त लॉकडाउन में तब्दील हुई। महाराष्ट्र में रिकवरी रेट 93% तक पहुंच गया है, लेकिन 1 जून से महाराष्ट्र अनलॉक नहीं होगा। 1 तारीख को जो हम लॉकडाउन जो 1 तारीख तक था उसको हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, सब्जेक्ट टू जो ज़िलों में पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, जो ज़िलों में तुम्हारे जो बेड्स उपलब्धता या यह है उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है, तो उनके लिए थोड़ा जो रेस्ट्रिक्शंस है वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन जहाँ पर बेड उपलब्धता और पॉजिटिविटी रेट स्टेट एवरेज के नीचे है उन ज़िलों के लिए हम शिथिलता रेस्ट्रिक्शंस में दे सकते हैं। तो इसके बारे में 1 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य विभाग और जो टास्क फोर्स बनाई गई है उनसे विचार विनिमय करके निर्णय लेने वाले हैं। हरियाणा में लॉकडाउन की वजह से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आई है, लेकिन खट्टर सरकार फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसी वजह से लॉकडाउन को जारी रखा जाएगा। हरियाणा सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जब तक पॉजिटिविटी रेट 5% से कम ना हो जाए तब तक राज्य में किसी तरह की छूट नहीं दी जा सकती है। देश भर में कोरोना केस अब 2 लाख के नीचे आ गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस को 30 जून तक बढ़ा दिया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।